हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो देखते हैं पीएम मोदी लाइव फाइल्स नॉमिनेशन पेपर्स फॉर लोकसभा इलेक्शन 2024 इन वाराणसी। हो गए, उन्होंने साइन सुन कर दिया है, तो अब ऑफिशियली सब काम हो गया। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। सारे कमांडो जा रहे हैं मोदी जी के साथ, और लोग भी हैं पहले से वेट कर रहे हैं। लोग शो की भव्यता के बाद आज एक बार फिर से रोड शो के बाद अगले दिन वाव सिक्योरिटी देखो। तो आ गए। बैग वाला कौन था? कहाँ कैमरे में आया था कोई बैग वाला? क्या मैंने देखा ही नहीं, मैं वो पीछे पड़ रही थी लिखा गया। उधर से आना, इधर से आना, पता नहीं सिक्योरिटी वाले जल्दी से उधर यहाँ से जाना होगा शायद। चलो कोई बात नहीं। तो आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे थे कलेक्ट्रेट से, काशी के कलेक्ट्रेट से, जहाँ पर नामांकन की प्रक्रिया जो है उसकी शुरुआत हो चुकी है। अश्विनी मिश्रा और शैलेंद्र मिश्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं वहाँ काशी से, और मदन जेड़ा साहब लगातार इस पर अपनी निगाह बनाए हैं। मदन जेड़ा साहब, आपकी आपकी प्रतिक्रिया इस बात पर, जब प्रधानमंत्री इस बात को खारिज करते हैं कि कांग्रेस तो पूरी तरह से उत्तर प्रदेश से साफ हो जाएगी, और हम जान रहे हैं कि इस वक्त दक्षिण के राज्यों में तो चुनाव कंप्लीट हो चुके हैं और अब 113 सीटें शायद बची हुई हैं आगे के चरणों के लिए। आवाज ही नहीं आ रही, तो स्पीकर विकर तो दो। राहुल गांधी पहले अमेठी से वायनाड गए, और वायनाड में उन्होंने कहा, ये भी कहा कि मैं अब कहीं नहीं जाऊंगा, मैं आपके साथ हूँ हमेशा, मैं यहीं से चुनाव लड़ूंगा। और जब वहाँ चुनाव हो गए तो उसके बाद उन्होंने फिर अमेठी की बजाय फिर रायबरेली चले गए। तो यहाँ पर सवाल उठता है कि अगर आपको दोनों सीटों से लड़ना था तो एक साथ आप डिक्लेयर कर सकते हैं कि भाई अमेठी से भी लड़ेंगे या रायबरेली से भी लड़ेंगे, वायनाड से भी लड़ेंगे। लेकिन जब वायनाड में चुनाव हो गया और उसके बाद अब अचानक घोषणा करते हैं, तो ये कहीं उनका सवाल ये था कि कहीं संशय तो नहीं है कि आपको अपनी जीत को लेके? तो एक तो सवाल ये है, छोड़ना भी। हाँ, तो दूसरा प्रश्न ये भी उठता है कि मान लीजिए वो रायबरेली से भी जीतते हैं और वायनाड से भी जीतते हैं, तो एक सीट तो उन्हें छोड़नी होगी, तो वो किसको, मतलब कहाँ की जनता को निराश करेंगे या धोखा देंगे, जो भी कहें आपकी भाषा में। तो एक सवाल ये उठता है वहाँ पर। दूसरा ये है कि ये जरूर हुआ था पिछली बार राहुल गांधी जब वायनाड से चुनाव लड़े थे तो केरल में कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा रहा था, और कांग्रेस और उसके सहयोगियों को 20 में से 19 सीटें मिल गई थी। लेकिन सवाल यह है कि इस प्रकार जब इस बार दोबारा लड़ रहे हैं, क्या वो चमत्कार दोबारा होगा वहाँ पे या नहीं होगा? तो ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो मुझे लगता है कि जब ये नतीजे आएंगे तो उससे काफ़ी हद तक चीज़ें साफ होंगी, और ये देखना होगा कि राहुल गांधी अपनी सीट जीतने के साथ क्या केरल में भी कांग्रेस के प्रदर्शन को पिछली बार की तरह बेहतर बना पाते हैं या नहीं बना पाते हैं। बिल्कुल, हम यहाँ तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं जहाँ प्रधानमंत्री अपना तीसरी बार ये यहाँ से आए होंगे, पहले गाड़ी में उतर रहे हैं और उसके बाद यहाँ से एंटर किए होंगे, ये वो सीन है। कितनी बार कहते हैं तो चक्कर आने लग गए, फुटेज होती नहीं आजकल वेरी फेल बेस्ट फुटेज। मोदी के नॉमिनेशन में शामिल होने के लिए आई डोंट नो व्हाई पूरा कुछ नहीं होती फुटेज। मनमोहन जैरा जी, जिस तरह से लगातार ये बात हो रही है कि एनडीए की एकजुटता को लेकर या उनके शक्ति प्रदर्शन को लेकर, किस तरह से आप देखते हैं इन तस्वीरों को भी जब तमाम नेता वहां पहुंचते नजर आते हैं? योगी आदित्यनाथ, अब कोई आएगा बैग वाला जो बोला था वो दिखेगा क्या? लगातार ये बात भी की जा रही है, प्रधानमंत्री भी बात को कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार है जो आपके राज्य को और ज्यादा वो बूस्ट देगी और उसको विकास के पद पर आएगी। और उसी तरह से यहाँ पर जब एनडीए के जब पूरा कुनबा इकट्ठा होता है नॉमिनेशन प्रोसेस के लिए, तो वो भी कहीं ना कहीं बेहद महत्वपूर्ण संदेश देता नजर आता है। हमने हमेशा देखा है कि जब भी प्रधानमंत्री मोदी कोई काम करते हैं तो उसे बड़ी भव्यता के साथ करते हैं और काफी तैयारी के साथ करते हैं, प्लानिंग के साथ करते हैं। बार बार वही दिखा रहे हैं, कुछ और तो बताओ क्या अंदर चाहेंगे, कुछ कर रहे हैं तो भी तो दिखाओ। स्वाभाविक है कि जो अलाउड नहीं है क्या अंदर जाके करना, आई डोंट नो। और लोगों का भी, चूंकि एक लोकप्रिय नेता है तो पब्लिक का भी बहुत प्यार उनके साथ है, तो लोग भी काफी तादाद में आस पास इकट्ठे रहते हैं, उनकी एक झलक देखने के लिए वहाँ पे मौजूद रहते हैं। इसके अलावा जहाँ तक एनडीए के घटक दलों की बात है, जैसे कि मैंने कहा कि
जिस प्रकार 2014 से कितने सारे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं, पीछे भी हैं, जरूरत नहीं होने के बावजूद चल रही है, बहुत सारे। ये संदेश दूसरे पक्ष में जाता है कि अगर बीजेपी हमारे साथ एकजुटता दिखा रही है तो हमें भी वही रिस्पॉन्स देना चाहिए। तो मुझे लगता है कि जो दूसरे घटक दलों के, जो एनडीए के दूसरे सहयोगी पार्टियों के नेता, बड़े नेता वहां पर जुटे हैं, तो वो अपनी अभी वेट कर रहे हैं कि मोदी जी का बाहर निकलेंगे दिखाने के लिए, या एनडीए को एक वहां जाएंगे, साइन सोन करेंगे, वो मेरे ख्याल से दिखा नहीं सकते। लगातार मोदी की बात हो रही है, जो स्वीकारिता की बात हो रही है, जो लोकप्रियता की बात हो रही है, वो उसी तरह से बरकरार है। जो जोश हमें 10 साल पहले जब प्रधानमंत्री निकले थे अपने रोड शो करने, वो नजर आया था, वही रोड शो तो बहुत ही मजेदार था, हमने देखा, देखना, कोशिश करूंगी कि इंडियन अमेरिकन ब्लॉगर में भी लगाऊं, वो तो बहुत अच्छा था, मजा ही आ गया कि रोड शो दिखा सकते थे पीछे से बातें कर रहे हैं। रोड शो देखो, दे शुड चेंज द फ्रेम। रोड शो में अलग अलग जो हमने देखा कि विभिन्न समाज के विभिन्न समूहों की ओर से, वर्गों की ओर से हमने पार्टिसिपेशन देखा। हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए जो कल मौजूद रहे, जिनकी तस्वीर, चलो संवाददाता को दिखाओ। अश्विनी, जिस तरह से लगातार ये बात होती है कि जब भी प्रधानमंत्री की स्वीकारिता लिखा गया बोस पे लोकसभा, यहाँ पर समान रूप से समाज के विभिन्न वर्गों के बीच, चाहे छोटे हो, बड़े हो, बूढ़े हो, या विभिन्न समुदाय से आने वाले लोगों में एक रूपता से वो दिखती है। और कल भी उसकी एक झलक हमने देखी, अलग अलग वहां पर समुदाय से लोग पहुंचे हुए थे वहां साथ देने, और प्रधानमंत्री की इस यात्रा में उनका साथ देने के लिए, हिस्सा बनने के लिए, और आज भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें हम देख रहे हैं। अश्विनी, आपको मेरी आवाज आ रही है? निश्चित तौर से। अश्विनी को दिखाओ भाई। नरेंद्र मोदी का कल का जो रोड शो था, उस तरीके से था कि पूरा का पूरा पूर्वांचल और पूरा का पूरा ये क्षेत्र जो है उमड़ पड़ा था, काशी के लोग सराहा, पूरा क्षेत्र ही उमड़ पड़ा था। हर हर महादेव की नगरी में, हर हर मोदी की अगर नारी, हर हर महादेव की नगरी में, हर हर मोदी नेताओं को ऐसा सौभाग्य मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं बहुत प्यार मिलता है मुझे। नामांकन अपना दाखिल करने के लिए एनडीए के सभी 5 गमले हैं, प्रमुख नेता है वो यहाँ पर मौजूद है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मौजूद है, और साथ ही साथ एनडीए के सभी राजनीतिक दलों के लगभग लगभग मुखिया, उत्तर प्रदेश के सभी जो गठबंधन में शामिल है वो नेता भी यहाँ पर मौजूद है। तो जो एकजुटता का प्रदर्शन यहाँ पर देश को ये बताता है कि किस तरीके से गठबंधन धर्म को निभाते हुए, एक बड़ा जबरदस्त जनाधार उत्तर प्रदेश में 2019 के चुनाव में रहा, गठबंधन धर्म को निभाते हुए अभी भी सभी घटक दलों को अपने साथ लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर नामांकन। मोदी जी जो वेव करते हैं ना, ऐसे लगता है जैसे हमको कर रहे हैं कैमरे में सीधे, तो 10 के करीब कमांडोज हैं उनके, और जनता देखो पहले से वेट कर रही है। और कुछ भी दिखाएंगे कि यही दिखाते रहेंगे हम? ये आपने ये वीडियो भेजी है, ये वीडियो में आगे तो कुछ दिखाई नहीं रहे हैं। लूपिंग वालों को समझ नहीं आता कि इससे इनकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती। हाँ बाबा, वही दिखाए जा रहे हैं। डोंट टेक पीपल फॉर ग्रांटेड। जिलाधिकारी कार्यालय में, वाराणसी में, और पूरा का पूरा एनडीए जो घटक दल है, पूरा का पूरा एनडीए का जो गठबंधन है वो यहाँ पर मौजूद है। जय, जो आप बात कर रही है कि सभी लोगों की समावेशता की बात, एक चीज मैं जरूर कहूंगा, 2014 के बाद उत्तर प्रदेश और बिहार की राजनीति कहीं ना कहीं जाती है। ईश्वर की शपथ लेता हूँ, सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ, मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा, और मैं भारत की पूर्णता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। पहले ओथ लेना पड़ता है, उसके बाद फिर उस पर साइन कर रहे हैं। साथ में एक विटनेस होगा। ओह, ये कौन है जिनके साथ है? योगी जी भी, योगी थे? हाँ, योग में बोलने वाली थी। अंदर का दिखा दिया इन्होंने, ये जब घुसे थे। ओह अच्छा, मुझे लगा वापस जा रहे हैं।
नहीं, ये भी यहाँ पे ये जो दिखाया उससे पहले जब अंदर आए हैं, ओ अच्छा अपना फायर है, वाह फायर दी है, अरे वाह। पीछे बैठे हैं योगी जी भी, महाराज क्यों बन गया, मैं भी सुनना खुफिया बातें हैं, ऐसे क्या खुफिया होंगे, पेपर चेक हो रहे हैं अभी, पढ़ के देख रहे हैं कि सब कुछ ठीक है। फाड़ दिया, कोई स्लिप फाड़ी है उसकी रखने के लिए, साइन हो गए। अब ये हो कलेक्ट्रेट वाराणसी से तस्वीरें और तीसरी बार नामांकन दाखिल करते हुए प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी के आज कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं और आज वो नामांकन अधिकारी के समक्ष अपना नामांकन दाखिल करते हुए उनके साथ उनके प्रस्तावक के तौर पर गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ और बैजनाथ पटेल। कर दिया मोदी जी ने, अपने पेपर सबमिट कर दिए, उन्होंने अपनी तरफ से सारा काम कर दिया है, अब काम किसका शुरू होता है, हम लोगों का, जाके वोट देने का। मुझे इतना अच्छा लगता है जब मैं कमेंट्स में पढ़ती हूँ कि हम तो मैं वोट दे के आ गए, हमने तो मोदी जी को वोट दिया, हमने बीजेपी को दिया है, अभी हमारा जो हो रहा है आने वाला है, जब वो होगा तो हम जाएंगे और हम मोदी जी को वोट करेंगे, बीजेपी को करेंगे, तो मेरे को ना इतनी खुशी होती है, मैं कहती हूँ वाह। मेरा खास स्पेशली मैं देख जब वो कमेंट देखती हूँ मैं उसको हार्ट देती हूँ कि देखो कि अपने देश के लिए सब इतने जागरूक हैं कि भैया ये हमारा कर्तव्य है, हमारा धर्म है कि हमें जाकर वोट करना। देखिए पता चल जाए, रिजल्ट आएगा पता चल जाएगा, हाँ, कि लोगों ने कितने एग्रेशन से, बस मेरा दिल ना कितने डेडिकेशन से वोट किया, बस भैया दिल ना तोड़ना। फेज वन में वोटिंग कम हुई थी, फेज टू में वोटिंग कम हुई थी, उसे पूरा तहलका मच गया था, ये तो घपला हो रहा है कि आई डोंट नो फेज वन और फेज टू में किसका लॉस हुआ होगा, वो या पता चलेगा ना जब रिजल्ट आएगा, तो ये तो गड़बड़ था। ये तो 4 जून का है ना मेरे ख्याल से, 4 जून या 5 जून को रिजल्ट आएगा, फेज वन फेज टू में जो है क्या होता है, बट आई होप कि अब लोग वापस जागरूक हो गए हों और अच्छा वोट किया हो। भैया मोदी जी और योगी जी इतना फैंटास्टिक फैंटास्टिक जो है इंटरव्यूज दे रहे हैं और लोगों को जगा रहे हैं कि जाओ वोट करो, देश को आगे बढ़ाना है। तो चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बहुत ही जल्द, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।